अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? तबीयत सेहत कैसी है? चुकी है सलमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कपड़े उठाए हुए हैं? सुबह मशीन लगा। तबीयत कैसी है? ठीक है। चक्कर नहीं लगाती हमारे घर? नहीं लगाती। अभी जाते हैं जी ऊपर वाली सीढ़ी, ये चढ़ के जाते हैं ऊपर से, इधर से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भी कोई बहन बैठी है? ओए ओए, आवाज सुन के आपकी आवाज सुनी और भागे चले। हाँ, इससे कहते हैं, इससे कहते हैं अकरम खान सोना है। इससे हमारे बालों को देख के लड़कियां बना देते हो आप? हाँ, या आपको क्यों सोना? हाँ, मुझे क्यों सोना बनाया है? आप चलो पता। वो देखें जी, कूलर उठा के लेके आ रहे हैं दोनों भाई। ओए उधर रखना था यार, आपसे कब उठाया जाएगा? नादिया जो है सुकून से, मैंने इसको कहा कि वजनी काम आपने नहीं करना, ये फिर भी पंगे लेती रहती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक के फिर फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके ब्लॉग से ब्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं ब्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं ब्लॉग। और शाम का टाइम हो गया तकरीबन 6:30 हो गई है, 6:30 हो गई है शाम की। तो अभी जो है ना चार पहिया वगैरह वो बहर निकालने की, तो मैंने कहा ये चार पहिया जो है वो बहर निकालूँ। एक जो मैंने निकाल दी है और उसके बाद दो पड़ी हैं, अभी ये निकालते हैं क्योंकि पहले ये निकालते हैं उसके बाद जो है ना वो वाली निकालेंगे क्योंकि वो रास्ते में आ जाती है, तो इस वजह से जो है ना फिर वो आगे जाने का रास्ता नहीं बचेगा। पहले इसको निकाल देते हैं, ये उधर चले जाएंगे पल्ली साइड पे, फिर ये दूसरी निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, तकिए वगैरह ले आते हैं वो भी लगा देते हैं, फिर उसके बाद पंखा वगैरह इधर खड़ा कर देंगे ताकि, क्योंकि शाम का इतना काम वगैरह होता नहीं है। दोपहर को जो खाना वगैरह बनाते हैं फिर हम तो फुल हो जाते हैं, जो बच जाता है सालन वगैरह रोटियाँ वो फिर बच्चे खाते हैं। लेकिन आज हमने बनाई थी जैसे आपने देखा पुलाव बिरयानी, पुलाव नहीं बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो वो जो है ना अभी तक भी रखे हैं, जिनका दिल करेगा वो खाते रहेंगे। अभी तक के लेके आते हैं, आपने साथ रहना है, वीडियो बंद नहीं करनी, चलते रहना है। ये चार तकिए हैं, ये लेके जाते हैं। चलो ये इधर रख देते हैं, एक जो इधर रख देते हैं, एक जो है इधर रख देते हैं, एक जो है ये आप फिलहाल इधर रख देते हैं क्योंकि इसकी सफाई होनी है ना, वो बच्चा वगैरह के आए हैं बच्चे का, सफाई करके फिर ये वाला जो है ना इधर रख देते हैं। अभी फिलहाल इसको इधर रख देते हैं। हाँ, क्योंकि ठंडा पानी आज आ गया था, मोटर ताज़ी चल रही थी, फ्रेश पानी था, तो इस वजह से बच्चे वगैरह ने भी नहा लिया है और मैंने भी नहा लिया है। अभी पंखा उधर खड़ा करना है, वो काम भी करना है अभी।
ये है टेबल पंखे की, इसको इधर लगाते हैं और लेके चलते हैं बाहर, इसको बाहर रख देते हैं इधर। फिर जहाँ पर भी फिट आएगा वहाँ पर लगा देंगे। तो अभी फिलहाल जो है इधर खड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे आ जाए। और मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया, चार पहिया वगैरह निकाल दी, पंखा भी लगा दिया, उसके अलावा बाकी जो भी लोग बनेगा आपके साथ शेयर करें। और इधर मौसम देखें, ये बिल्कुल बादल ही बादल बने हुए हैं, और इस साइड पे वो सामने सूरज खड़ा हुआ है, और ये जो है ना मस्जिद है सामने, ये मनार मस्जिद का जा रहा है, और बादल जो है ना ऐसे बने हुए हैं जैसे काले शाह बादल हैं। और इधर बच्चों के काम चेक करें, ये तीनों इधर सो के मोबाइल को चला रहे हैं। क्या कर रहे हो? संदूकें खोल रहे हो? वो आ गई, आ गई। कितना टाइम है इसका? है 1 मिनट। चलो देखो कोई कोयल निकलता है कि नहीं निकलता। और इनको परिंदों वगैरह को खुराक वगैरह पानी वगैरह इसको फ्रेश डाल दिया है, ताकि ये जो है ना सुकून से अपना खा पी के पेट भर लें। सिर्फ बाजरी डालने वाली है इसको, इसको अभी बाजरी डालते हैं, फिर उसके बाद ये भी अपना पेट भर लेगी। बाकी जो है ना ये सब अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं सुकून से, क्योंकि दिन को गर्मी होती है, गर्मी की वजह से ये नहीं खाते। इस टाइम ठंडा टाइम जब होता है फिर ये खाना स्टार्ट करते हैं। गर्मी में आपको पता है फिर खाना दिल भी नहीं करता, अगर खा भी लें तो काफ़ी गर्मी लगती है। इस वजह से ठंडे टाइम इनको खुराक डालते हैं, ताकि इनका कोई मसला ना बने। गर्म दिन में अगर खुराक देंगे तो ये खाएंगे और इनको ना वो हार्ट अटैक आ जाता है, ये बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं गर्मी की वजह से। जैसे फुल गर्मी हो ना, कहीं इंसान खाना खा ले तो मज़ीद गर्मी लगती है, तो इनको भी वही हिसाब है। जब गर्मी ज़्यादा हो तो ये परेशान होते हैं, ये कहते हैं कि हमें किस मुसीबत में डाल दिया कि गर्म टाइम भी हमें खाना देते हैं। तो इस वजह से कोशिश करते हैं ठंडे टाइम इनको खाना दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी गाँव से। तो व्लॉग भी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ, आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। हाँ जी, व्लॉग दिखाते हैं। शाम हो चुकी है, जैसे मैंने आपको दिखाया है काम वगैरह जो है सारा आपके भाई ने कर लिया है, बहर का चार पहिया वगैरह ये चीज़ें जो है ना तमाम। देखने वालों को कह रहा हूँ जी, ये ना समझें कि नाजे को कह रहा है, आपको कह रहा हूँ कि आपका भाई अकरम जो है ना काम वगैरह सारा कर दिया है। नादिया जो है सुकून से, मैंने इसको कहा कि वज़नी काम आपने नहीं करना, ये फिर भी पंगे लेती रहती है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये वज़नी काम नहीं करना, कहा है ना? आप बैठे थे और बेटी भी बैठी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कोई काम करना है या नहीं। आपने झाड़ू, जैसे ही मैं खुद काम करने लगी, फिर ये लो सेट पे हट जाओ ये काम तो मुझे करना है। नहीं, आप सफाई कर रही थी ना, झाड़ू लगा रही थी, मैंने कहा झाड़ू लग जाएगा फिर जो है मैं ये चार पहिया वगैरह निकाल दूंगा, लेकिन आपने जैसे झाड़ू रखा पता भी नहीं चला चार पहिए के सारे चढ़ गई। इन्होंने कहा कि सब काम इन्होंने कहा कि अभी मैंने ख़त्म करने हैं। इब्राहिम खान कैसे है, सही बात कर रहा हूँ ना? हाँ जी, हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, जाग रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। तो आप देख रहे हैं अकरम खान व्लॉग, अकरम खान व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, नहीं करते दुआ सलाम, सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से करते दुआ सलाम। चलो दुआ सलाम करो। हाँ जी, और वीडियो को आप बोलो सब्सक्राइब करें। अच्छा, सब्सक्राइब करें। अच्छा, और जो है अपना खाना पकाना है कि कुछ नहीं खाना पकाना आज? कुछ भी नहीं पकाना खाना, क्योंकि दोपहर को जो बनाया था खाना वो दोपहर को खाया था। अच्छा, अभी भी बच्चा रखा है और तो गरम करके खा लेंगे। हाँ, वो ही खा लेंगे गरम करके। तो अभी जो है ना फिलहाल कुछ भी नहीं बनाना। आप ऐसे करो, मुझे ना ठंडा पानी पिला दो। शाबाश, मुझे लगता है नहीं, ये दोपहर को तो मैं भर के ले आया हूँ, फुल को ले आए थे, लेकिन जो है ना
चलो चेक चेक कर लो, चेक कर लो। थोड़ा सा बचा पड़ा, ये नहीं है बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा बचा पड़ा है। चलो अभी पिलाओ मुझे, फिर जो है ना इसके बारे में सोचते हैं। हाँ। क्योंकि पानी तो आप कह रहे थे कि लेट हो गई है, अभी पानी भरना है, तो इसलिए ना आपको टाइम टाइम बता रही हूँ। तो आप जो है ना पानी पी लें, इसके बाद फिर जाके कूलर पानी का भर के रख देना, क्योंकि बर्फ मेरे ख्याल में फ्रिज में बनी पड़ी है जी, वो सिर्फ आपको जो है ना पानी भर के लाना पड़ेगा। तो और मैं जाते हैं पानी भर के आ जाते हैं। हाँ। क्या कह रहा है? और पानी भरने पहले वसीम जो चीजें लेकर गया था ना, नहीं बस तो मुझे नहीं साथ लेकर गया था, लेकिन अब मैं अब्बू के साथ जाऊंगा। ऐसे कह रहे हो? हाँ। क्यों कह रहे हो? मैं नहीं लेके जाऊंगा। आपको पता है कि जब जो काम भी आप जाते हो तो ये आपके साथ ही होता। अभी देखना, मैं नहीं लेके जाऊंगा। किधर जाओगे बोलो? आपके साथ। आपके साथ मैं तो उधर जाऊंगा बर्फ लेने। वसीम के साथ जाओगे? फिर कूलर पानी का भर के दोनों भाई ले आओ, जाओ। मैं नहीं आऊंगा फिर। आपसे कूलर पानी का चलेगा? खा लोगे? ये रात दोनों खींच के इधर सीढ़ी के पास पहुंच गए थे। बड़े हो गए माशाल्लाह। ऐसे हुए? हम जा रहे हैं, अपनी बर्फ लेके आओ तुम। नहीं बर्फ तो इधर रखी है। चलो मैं फिर जा रहा हूं। सब्र कर यार थोड़ी। सब्र कर लो, फिर एक साथ जाना आपके पापा और आपका। आपका काम है? आप नहीं, आपको नहीं ले जाऊंगा। हंस रहे हो? मैं जाऊंगा। नहीं लेके जाऊंगा। जाऊंगा। नहीं नहीं, इब्राहिम को साथ लेकर जाना। इब्राहिम को साथ लेके जाना है? इब्राहिम को लेकर जाना। ऐसे हुए? हाँ। क्योंकि ये आपके साथ खुश होता है ना। चलो फिर चलिए, चलो अभी चलते हैं जी। पानी लेके आते हैं और पानी ठंडा वगैरह करते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर काम वगैरह तो सारे। ये पानी इसमें जो पड़ा है मुझे भी पिला दो। अपनी मम्मा को पानी पिला दो, और कोई अगर बर्तन है तो उसमें ये पानी जो बचा पड़ा है वो निकाल लो। बर्तन तो रखे हुए हैं ना, वो बाल्टी बड़ी बाल्टी में डाल दे। हाँ उसमें डाल दो और फिर न्यू पानी और लेके आते हैं, क्योंकि ये कूलर फिर सुबह भी मसला नहीं बनता ना। सुबह भी नाश्ता वगैरह करते हैं, पीते रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना ये पानी का ही मस्ती होता है, फिर सारी रात बच्चे कभी कोई उठ जाता है कभी, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है। जो कैल्सी का डब्बा लेकर आए थे ना, वो रात इब्राहिम तीन मरतबा कैल्सी बना के पी है। नहीं ये ले। अभी वो खत्म कर दी आपने? खत्म कर दी मैंने, अभी देखा है तो डिब्बा जो है ना वो खाली है कैल्सी वाला। एक एक बाल्टी है। चलो पता है क्या, मुझे कहता है पहले मुझे कहा कि मम्मा मुझे पानी चाहिए, मैंने कहा चले मैं आपको देती हूँ, फिर मैंने कूलर से पानी निकाला फिर इसको दिया, तो फिर बोलता है कि वो पी लिया खामोश होकर पी पानी पी लिया, फिर थोड़ी देर के बाद ना जैसे ही मैं सोई फिर बोलता है मम्मा, मैंने कहा जी मुझे ये वाला पानी नहीं चाहिए था, मैंने कहा हाँ और कौन सा, बोलता है कि मुझे कैल्सी वाला पानी चाहिए। ऐसे हुए? अभी तो आज तो कैल्सी खत्म है। आज खत्म हो गई है कैल्सी डिब्बे में नहीं। जब आप खड़े थे ना उस टाइम मैं उठा के पानी भर के पी लिया, जब हम स्कूल की तैयारी कर रहे थे ना उस वक्त भी गर्मी होती है ना। हाँ मांदा होता है सुबह। चलो जी प्यारे बहन भाई अभी चलते। अच्छा एक सिस्टर थी वो पूछ रही थी आपका तबीयत के बारे में, और तो सब देखने वाले पूछते हैं, लेकिन उनका खसूसी जो है ना मैसेज आया हुआ था कि अभी आपकी तबीयत कैसी है, तो अपनी जुबानी आप बता दें जी। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, मेरी जो है ना तबीयत आज जो है ना काफ़ी बेहतर है, और जैसे आपने पिछली वीडियो में हमारी में देखा था कि ट्रिप वगैरह जो है ना मैंने लगवाई थी, तो माशाल्लाह आज जो है ना काफ़ी बेहतर है, और पहले की तरह जैसे मैं सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती थी, मुझसे कोई काम नहीं होता था, तो आज जो है ना माशाल्लाह मैं घर का सारा काम मैंने किया है, और बिल्कुल तबीयत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब नहीं मैं भी तो आपके साथ काम करवाता हूँ ना। हाँ? ये भी साथ साथ बताया करो। हाँ, नहीं मानते है, आपके भाई जो है ना वो भी मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं, लेकिन जो वजनी काम होता है ना वो खुद कर लेते हैं, और जो ये हल्के फुल्के काम होते हैं, फुल्के काम जो होते हैं ना बैठ के करने वाले, वो खुद मैं कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह आप तमाम बहन भाइयों की दुआओं से मेरी तबीयत जो है ना आज काफी बेहतर है। अभी जी
वसीम जो है वो लेकर चला गया कूलर और इब्राहिम भी साथ चला गया। अभी मैं चलता हूँ उधर चल के पानी भर के ले आते हैं क्योंकि पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। वो देखें जी कूलर उठा के लेके आ रहे हैं दोनों भाई। अरे उधर रखना था यार आपसे कब उठाया जाएगा। उठा रहे हैं देखो। ये इब्राहिम को बेचारे को आपने तंग किया हुआ है। ये खुद आता है कहता मैंने उठा लूंगा है। चलो जी अभी कूलर पानी का लेके अभी चलते हैं उधर मकान पे। जैसे आपने देखा शहजादे मेरे जो है ना ये लेके आ रहे थे कूलर, इनको मैंने कूलर दे दिया था। मैंने कहा चलो नलके पे उधर से पानी भरो। कल भी ये कूलर लेके उधर पहुंच गए थे भर के ना, लेकिन माशाल्लाह शहजादे जो है ना हमारे काम वगैरह करते हैं, इनको मैंने कहा है कि काम वगैरह जो है ना वो किया करो। अभी ये जो है ना काम वगैरह सारा करते हैं। वो देखें वो जा रहा है आगे आगे भाग के जा रहा है और हम जो है ना पीछे पीछे जा रहे हैं। वो सपीते लगा के अपनी सीढ़ी चढ़ जाएगा। वो जा रहा है कहता मैं जीत गया। वो कहता है मैं जीत गया। चलो चलो ऊपर चलो। चलो जी अभी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह बाकी भी लोग दिखाएं। मिल अभी जी पहुंच चुका हूं बाइक पे। बाइक में की हालत देखें इसकी ना, वो सारा दिन ना थ्रेशर चल रही थी तो उसकी ना धजी थी, मशीन चल रही थी गंदों वाली, तो इस वजह से अभी ना इसको ले कर चलता हूँ उधर अल्ताफ भाई वालों के यहाँ ना खड़ी करता हूँ क्योंकि रात हो गई है। सुबह इसको अच्छी तरह से ना कपड़ा लगा लेंगे फिर ये जो है ना साफ़ हो जाएगा। अभी ले कर चलते हैं उधर खड़ी कर देते हैं फिर इंशाल्लाह सुबह फिर लेंगे। और बच्चों को स्कूल लेके जाना होता है ना वो तो इस वजह से। ओके हो गया जी अभी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिल्कुल ज़बरदस्त है बिल्कुल। अच्छा थोड़ी सी है, थोड़ा सा गुजारा चल रहा है। चलो अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लंबी सेहत दे, सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। हाँ अच्छा 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 सेहत चली गई है। आप क्या कर रही हो? भाग गई और इधर आ चुकी है सलमा से। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कपड़े उठाए हुए हैं? सुबह मशीन लगाई थी तो ऊपर थे, मैंने सोचा ले आऊं। वो ना मौसम कभी बादल आ जाते हैं तो कभी कैसे कभी बादल शादल, बारिश नहीं आने वाली जो आप सोच रही है। पता तो नहीं है ना अल्लाह पाक का, तो मैंने सोचा ये उतार के आऊं क्योंकि आए हुए हैं मेहमान। अच्छा अभी अभी जो है ना ऊपर गए हैं, ऊपर बैठे हैं। मेहमान कहाँ से आए हुए हैं? वो फैजाबाद वाले आए हुए हैं, अयमन खलील और उस्मान जमील। अच्छा अच्छा वो आए हुए हैं। वो कहाँ गया बड़े बालों वाला? वो भी ऊपर ही है। और आप बताएं आपकी फैमिली कैसी है? भाभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, आज काफी बेहतर है। मैं वो वीडियो में देख रही थी थोड़ा हंस रही थी, आज मैंने सोचा माशाल्लाह आज जो है ना काफी भाभी की तबीयत बेहतर है। हां काफी बेहतर है। फिर हमारे पास भी वो आ गए थे महीउद्दीन और उनकी फैमिली वगैरह। अच्छा तो फिर वो तकरीबन 3:30 बजे वो चले गए। अच्छा फिर वीडियो तो आपने देखी ही होगी। हां वीडियो मैंने देखी। तो अभी फिर दूसरी वीडियो मैंने स्टार्ट की है तो बाइक खड़ी करने आया था तो मैंने सोचा फिर इधर ना दुआ सलाम भी साहब के साथ हो जाएगी। अच्छा चलो रखो कपड़े वगैरह। कपड़े मैं रखती हूँ। हाँ फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये जोड़ी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? तबीयत कैसी है? ठीक है। चक्कर नहीं लगाती हमारे घर? नहीं लगाती? वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकती? एक चक्कर लगाया बस बहुत हो गया। गया वो तो बहुत बड़ी सीढ़ी है ना, है ना? वो कह मैंने कहा चक्कर नहीं लगाती, कहती है जो एक चक्कर लगाया है वो ही बहुत है। ये इधर ऊपर भी नहीं जाती, वो नीचे आती है तो उनसे गपशप कर लेती है, नहीं तो ऊपर भी नहीं जा सकती बेचारी, इधर नीचे बैठी रहती है। वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती ना, असल में मसला ये है, इसलिए तो मुझे कह रही है नहीं बस जो आई हूँ वो बहुत है। अभी कहती है नहीं आना। चलो इसलिए तो मैं नीचे वाला घर ढूंढ रहा हूँ। अभी नीचे वाला घर वो फिर रात वीडियो डाली थी, फिर क्या कहते हैं बहन भाई
बहन भाई कुछ कहते हैं कि हाँ वो बेस्ट है, वीआईपी है, डबल मकान भी है, बरामदा भी है, बहुत अच्छा खूबसूरत भी लग रहा है, तो वो वाला डन कर लो। और कुछ कह रहे हैं कि अब सोच समझ के लेना, अच्छा। फिर ये ना हो कि दो चार दिन के बाद फिर आप कहें कि ये मसला, लेकिन मैंने कहा वो उधर हम ठीक रह जाएंगे, क्योंकि बच्चे आज़ाद माहौल के आदि है ना, ये ऊपर ना ये सीढ़ियों की तो खुशी होती है बच्चों को, लेकिन वो बंद कमरे में बंद हो जाते हैं फिर, क्योंकि छोटा सा सहन होता है बाहर के, उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो हमारे हैं गांव के बच्चे, विलेज के, वो इधर रहना फिर पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा, तो उधर वो खुशहाल रहेंगे, क्योंकि बाहर निकलेंगे ना, बाहर टेंशन नहीं होगी, वो बाहर भी निकलेंगे ना, इधर तो बाहर निकलते हैं फिर वो रोड है, मेन रोड है, टेंशन होती है, लेकिन इधर जो है ना, चाहे वो रेलवे वाली साइड पे इधर उधर, वो क्योंकि आगे तो नहीं जाते वैसे, इधर बाहर ही निकलेंगे, गली में तो घूमते रहेंगे, नो टेंशन। तो काफ़ी काफ़ी कह रहे थे कि वो अच्छा है, वो ले लें, क्योंकि जैसे फिर मैं अपना सोच रहा हूँ कि मकान वगैरह के बारे में कि उनको तोड़ना स्टार्ट करता हूँ अपने वाले जो हैं, तो काफ़ी बहन भाई उन्हें सपोर्ट करनी है मेरी इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना, फिर मैं अगर वो पीछे जो सामान बच्चा रखा है वो भी मैं अगर ले आऊँ तो इधर मेरा सारा मुकम्मल आ जाएगा, आप चाहे पूरा घर का सामान ले आएंगे ना, इधर आ जाएगा सारा सामान, वीआईपी सेटिंग बन जाएगी। अच्छा बेटा देती हूँ, तो वो जो है ना सारा सामान भी आप ले आएंगे ना, हाँ। तो इतनी प्यारी सेटिंग बनेगी, और अपना मतलब के वो जो आपकी यानी के इधर मैं साल दो साल भी रह जाऊं तो टेंशन नहीं होगी, एक तो नीचे है, दूसरी मेन वजह ये है कि मोटर टैंकी सकून से पानी जिस टाइम जैसा निकालो वो मिल जाए, ऊपर जो है ना इतनी गर्मी होती है, आज पता नहीं कैसी हमारी किस्मत थी, अभी 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद जो है ना ठंडा पानी आ गया, सब बच्चे हम सब ने नहाया कि ठंडा पानी आ गया, किस्मत से हमें ठंडा पानी मिला है आज। सही से, हाँ वो ये है, आप अपना घर तोड़ोगे ना, हाँ तो ये तो नहीं है कि आपके पास पैसे तो नहीं है कि आप इतनी जल्दी बनवा लो, हाँ क्योंकि वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता बनता रहेगा, जैसे मतलब कि फुर्सत होगी आहिस्ता आहिस्ता, और टाइम लग जाएगा ना, हाँ एक साल भी लग सकता है, यानी कि जो भी लग सकते हैं, तो आपको उधर टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, वो नीचे वाला भी है उधर रह जाएंगे, वो टेंशन फिर नहीं होगी। चलो आप अभी तक वही कपड़े उठा के खड़ी है, और साथ इसको भी उठा लिया, काम चेक करो, उसको दूध मांग रही है, वो कहती है मेरा फीटर मुझे दे दो, ये जो है ना इनका दूध हो गया खत्म, अच्छा तो ये रो रही है, अभी वो आतिफ जाएगा ले आएगा दूसरा वो जो है ना, फिर मैं इनको बना के गरम करके ना फिर ठंडा करके फिर देती हूँ इनको। चलो सही है, अभी जाते हैं जी ऊपर वाली सीढ़ी, ये चढ़ के जाते हैं ऊपर, देखते हैं क्या हो रहा है। इधर गंदम जो है ना, वो जो इधर खिलरी पड़ी थी ना, वो सारे उन्होंने ना इधर बोरों में डाल के रख दी है। ओ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं भी सोचूं। अस्सलाम वालेकुम, इधर से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रख दूंगा ये, क्या कौन सा मसला है, इसके सिर पे ब्यास रख दूंगा, ये भी कोई बहन बैठी है। ओए ओए, मैंने लगता है आपकी बेगम बीमार क्या हुई है आपको, आप मर्द भी मरते लग रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे मैंने वो पीछे से देखा ना बालों को, मैंने कहा ये भी कोई बहन ना बैठी हो फिर। और क्या हाल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी जाते हैं ये वहाँ मौजूद होता है, क्या हाल है, तबीयत आगे आगे चलता है, हाँ आगे आगे चलता है जहाँ भी जाता हूँ। सुनाए जी तबीयत सेहत कैसी है सबकी, हाँ ये छोड़े भी नहीं तो अच्छी बात है, हाँ इसके साथ रौनकें होती हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है। मैं बाइक खड़ी करने आया था, बाइक खड़ी करने का, रोटी का टाइम हो गया है। नहीं नहीं रोटी तो नहीं खानी, आज हमने बनाया था अपना चिकन पुलाव, आज बनाया था चिकन पुलाव, फिर तो आवाज तो नहीं दिखाई ना, मिस कॉल दी, किस टाइम मतलब मिस कॉल दे देते, चिकन पुलाव पका हुआ है, अच्छा आपको बुला लेते, आप कहते हो हम खाते नहीं है, नहीं चिकन, आप कहते हो हम रिश्तेदारों को खाते हैं, रिश्तेदार साथ डाल के, भाई चावल जैसे भी पके हो ना, मैं चाल फिर अभी भी रखे हैं, अभी फिर मैं अपने बनवा रहा हूँ, अच्छा फिर खाते रहो। और नहीं वैसे मैं पूछने आया था, अपने कोई चक्कर नहीं लगाया आज, सारा दिन गुजर गया यार, आज मेरे घर मेहमान है ना, देखो
ये तो अभी शायद आए होंगे थोड़ी देर पहले। कितने बजे आए हो आप? तकरीबन डेढ़ बजे। मैं जुम्मे के बाद आ गए थे, मैं जुम्मा पढ़ के आया तो ये आ गए। अच्छा अच्छा। और जी बिल्कुल जबरदस्त, घर में बड़े अम्मी अब्बू सब ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सियात दे जी। और आपके बच्चे कैसे हैं? मैंने तो सुना रो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, सब ठीक हैं। बस भाभी आपकी जो है ना वो तो बस समझ लें कि नॉर्मल रूटीन में है, आज कुछ बेहतर थी। नहीं वो तो यार वो लाइट का मसला बना हुआ है, लाइट का नहीं टॉर्च नहीं, वैसे ना वो इस तरह हुआ है कि जो मेरी वो लाइट थी ना बड़े वाली, वो मेरे जो परिंदे रखे हुए हैं ना परिंदे, वो किसी ने ना वो उनके ऊपर वो जाली के ऊपर ना वो लाइट रख दी, उसकी जो केबल थी ना वो नीचे साथ खड़ी थी, उन्होंने क्या काम किया मुकम्मल केबल को छिल के रख दिया। फिर वो रात का टाइम था, आज भी वो नहीं बनवाई मैंने, वो ऐसे पड़ी है। मैंने कहा उधर कोई टेप वगैरह ले कर ना लगा देते, तो फिर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं, तबीयत सेहत कैसी है? आप किधर से टपके इधर से आ गए फिर से आवाज़ सुन के? आपकी आवाज़ सुनी और भागे चले। हाँ इससे कहते हैं, इससे कहते हैं अक्रम खान सोना है, इसकी आवाज़ जहाँ भी जाते हैं क्योंकि फिर आवाज़ जहाँ पर तक भी जाती है आ जाते हैं। आप सोने हो, हमारे बालों को देख के लड़कियां बना देते हो आप सोने हो यार। आप इधर अगर चेहरा आपका मेरी तरफ होता फिर तो मैं ना भूलता, इंसान भूल जाता है, गलती हो जाती है। अच्छा ये देखो आप मैं आप बताओ मैं लड़की लग रहा हूँ? सुनो लड़की नहीं लग रहा भाई, और सिस्टर आपको नहीं पता है इसका, ये इस तरह का बैठा था, इस तरह बैठा था, मैंने कहा ऐसे का नहीं दुपट्टा नहीं भी पहनती, काफी लड़कियां मैंने देखी जो दुपट्टा नहीं पहनती, पढ़ी लिखी लड़की है ये, बाल छोटे करवाए हुए हैं। हाँ जी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, हाँ कुछ बेहतर है आज, कुछ काफी बेहतर लग रही थी। आमीन आमीन। और आपके बच्चे कैसे हैं? वो कहाँ गया जिसको खलील कहते हैं? अच्छा वो किसी की कॉल सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं पहुंची उस तक नहीं पहुंची, उनके बेगम तक पहुंच गई है, उसके पास नहीं पहुंची है। पहुंचेगी वो भी बाहर के आ जाए। अच्छा हाँ ये नहीं नहीं बात जल्दी हो रही थी, मैंने कहा मैं जा रही, मेरे भाई आया हुआ है, आप लगे रहे। हाँ आप कॉल पे लगे रहे हैं, हम भी। आप क्यों खड़े हो गया बाल भाई, बैठ जाओ। अच्छा पेट हल्का कर रहे हो? वो तो हमने भी 3 बजे खाया है, हमने भी 3 बजे खाया, लेकिन थोड़ा खा लेना चाहिए था, ज्यादा खा लिया होगा इन्होंने। वही कम थोड़ा, थोड़ी भूख हो खाना छोड़ दो फिर, क्योंकि गर्मी इतनी है, पानी पी पी के ना वो बस हो जाती है इंसान की। आपको तो पता है ना वो जो हमारी जिंदगी पिछली गुजरी है पिछली। अस्सलाम वालेकुम। लगता है अभी इसके पास भी आवाज पहुंच गई है अक्रम सोने की। अक्रम सोने की काफी देर से मेरे पास आवाज आई हुई थी, आवाज और मेरे पास पहुंचे ना। वाह जी वाह, तेरी मोहब्बत है जी, ये आपकी मोहब्बत है, इतनी आवाज प्यारी सुरीली जो है मेरे पास पहुंची है। भाग के आए, वो देखे जूते भी नहीं पहने, जूते भी नहीं पहने, जूता भी नहीं पहना, इतना जल्दी जल्दी आ गया। आवाज ऐसी नहीं थी, हाँ इतनी मेरी आवाज नहीं थी, अच्छा चलो अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत सलामत रखे। आमीन आपके साथ। हाँ मेरे साथ, और मैंने क्या कहा है और लोगों के साथ लोग। अच्छा एक और बात बताऊँ? बताओ। जब दोनों वीडियो बना रहे हो ना एक दूसरे की तरफ कैमरा ना किया करो, वो करता है ना फिर लाइट आ जाती है, वो ऐसे करेगा एक दूसरे की शक्ल नजर नहीं आती। हाँ अभी मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें ये जैसे आप मेरी तरफ आ रहे हो ना
वो बातें करता रहे, अगर वो घुमा रहा है तो वो कहीं और घुमा ले इस तरह। वो अब बहन भाई देखते हैं कि उसकी भी शक्ल नहीं आ रही है। दोनों दोनों लेटे जो है ना फोकस कर लेती हैं। किस तरह नहीं तस्वीर नहीं, क्योंकि मेरी, मैं आपको ये बताऊं कि मेरी पिक्चरें स्क्रीन शॉट वीडियो से निकाल निकाल के फ्रेम में लगा के लोगों ने लगाई हुई है कि अक्रम सोने की फोटो लगा दे, घरों घरों में लगाई हुई है अल्लाह के बंदे। ये यार इसके लंटर भी नहीं डले हुए, ये खाली यार मैं आपको इतना मत फेंको। नहीं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की है बकायदा फ्रेम के ऊपर लगी हुई है ये उनकी मोहब्बत की मैं बात कर रहा हूँ, आप मानते नहीं हो। चलो देखना आज मैसेज भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, आप वो कहेंगे अल्ताफ भाई ये अकरम खान सोना जो है ना सही कह रहा है, फोटो हमने लगाया हुआ है इसका। चलो मैं देखता हूँ आज कमेंट्स पढ़ूंगा। चलो कमेंट्स पढ़ लेना, अगर ना कमेंट्स आया फिर बताऊंगा। अच्छा और सुनाए, फिर मैं आपको व्हाट्सएप उनकी पिक्चर दिखा कर दूंगा जो लगी हुई है। पिक्चर पे लगी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर लगी, व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजी है ना मेरे पास, एडिटिंग करके वो वीडियो पूरी भेजे तो फिर वीडियो तो फिर मैं दिखा दूंगा आपको। आपको पता है अकरम खान सोना कभी झूठ नहीं बोलता, हम रो पिट के रोज बोलते हैं कि यार अकरम नहीं पढ़ सकता, फिर भी यकीन नहीं करते, अब मैं भी यकीन नहीं करता, मैं वीडियो देखूंगा। वीडियो देखोगे? चलो जी आपने आज वीडियो भेजनी है जो क्लिप बना के उस जो लगाया हुआ है मेरा फोटो उसका वीडियो बना के बेशक 10 सेकंड 15 सेकंड की आपने मेरे पास सेंड करनी है ताकि इस बड़े बालों वालों को मैं दिखा सकूं कि अकरम वाकई सोना है कि नहीं है। ऐसी कोई बात होती है क्या? सोना आया बता है भाई, अल्लाह पाक ने हसीन बनाया है किस तरफ से? हर तरफ से। अल्लाह पाक ने बनाया है, अल्लाह पाक सबको सोना बनाता है, आप अपने आप को सोना ना कहो आपकी मर्जी है। आप पे गुस्सा हो रहा है, आपको क्यों सोना? हाँ मुझे क्यों सोना बनाया है? जेलसी फील हो रही है, जेलसी। आप चला पता हाँ आप पता चला अपने ही। चलो जी माशाल्लाह काफी बातचीत हो चुकी है, हंसी मजाक भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम कहते हैं कि हंसी मजाक व्लॉग में होनी चाहिए, क्योंकि ये फिदा सिस्टर को इतना हंसता मैंने कभी नहीं देखा है। वैसे आज जितना हंसी है ना माशाल्लाह, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक नजरे बाद से बचाए। वैसे आप भी काफी सोनी हो क्योंकि मेरी बहन हो ना। नहीं आप भी सोने हैं माशाल्लाह, आप सोने तो आप नहीं आप सोने थे तब तो इतनी हसीन आपको बीवी मिली है ना। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और वो जो गुस्सा कर रहा है उसको भी हमने अपनी बहन दी है। उस वक्त क्यों दी थी? उस वक्त आप नहीं, उस टाइम बड़े बाल थे नहीं, उस टाइम थे लेकिन उस टाइम ना वो कहते हैं ना जैसे पहली नजर में हमने देखा तो हसीन लगे, हसीन लगे। इसका मतलब मैं सुना हूं। हाँ जी अभी देखे अभी हो रहा था, सबकी तरफ हो रही है, मेरी नहीं हो रही, अभी आपकी भी होगी। नहीं मैं फिर पैसे लूंगा, मेरी वीडियो बना रहे हो 1000 का लूंगा। अच्छा हम जो बनाते हैं पागल हैं, जो सारे दिन वीडियो बनाते हैं, हम तो नहीं लेते किसी से भी पैसे। अकरम खान के रंग चल रहे हैं। हाँ जी ये सब हसीन हो जाएंगे थोड़ी देर में, फिर मानेंगे कि वाकई अल्लाह पाक ने सबको हसीन बनाया है, थोड़ी देर में सब मानेंगे। तो भाई जो भी है ना अपनी जगह पे हर कोई हसीन है। हाँ जी अपनी जगह, लेकिन मानना चाहिए ना। ये अल्ताफ भाई नहीं मान रहे तो क्या कर सकते, बस इसकी अभी मान गया, वो कहता है मैं भी सोना हूँ, ऐसा ऐसा मान गया। जो 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 नहीं मांगना शुरू कर दिए, अब्बास भाई कह रहे थे कि सिस्टर आपकी हसीन है तो उसका हस्बैंड का क्या कसूर है, लेकिन वो भी मान गया फिर हसीन है। अपनी जगह पे हसीन है। सलीम भाई और जमील भाई की मुलाकात आपसे हो चुकी है, सुबह ये भी नींद से उठकर शीशे में अपना चेहरा देख रहे होंगे, अकरम खान से मिलकर आए हैं। ये रंग चढ़ेगा रात को। सुनो यार
नहीं वो अल्लाह के बंदे वो मेरी सिस्टर की बेटी है, वो तो फिर इससे भी ज्यादा हसीन होगी। नहीं सब हसीन है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले कहा है अल्लाह पाक जो है ना ये हंसी जो है ना ये क्या कहते हैं तोड़ की चढ़ाए, अल्लाह पाक जो है ना ये नज़रबाज से बचाए, क्योंकि ये जो हंसी होती है ना कभी कभी रास भी नहीं आती, इसलिए कह रहे हैं कि साहब ने दुआ करनी है कि काफ़ी टाइम जो है ना हमने हंस लिया है तो हमारे पास भाई है, हमें रास आ जाती है, जब भी कोई ज़्यादा हंस लेना फिर अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ नहीं होता, भाई को मौसम लगते हैं। ओके जी ओके।